अक्सर छोटे या बड़े लोग बच्चों में बड़ों में मुंह पक जाता है बाद कोई ऐसा जख्म होता है जो कि दर्द भी नहीं कर रहा होता और वो काफी लंबे अरसे तक चल रहा होता है अगर ऐसी कोई अलामत हो तो जख्म होना और गिल्टी होना ये सबसे कॉमन है अगर आपके मुंह में कोई ऐसा जख्म जो दो हफ्ते से ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफा इकबाल क्यू एस हेल्थ चैनल के तोस से आपसे बात कर रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक है मुंह का कैंसर इसकी अलामत तशीस और इलाज अक्सर छोटे या बड़े लोग बच्चों में बड़ों में मुँह पक जाता है लेकिन कुछ अरसे बाद वो ठीक भी हो जाता है अल्लाह ने मुंह की जल्द में ज़ख़म होने और उसकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखी है लेकिन बाज़ कोई ऐसा ज़खम होता है जो कि दर्द भी नहीं कर रहा होता और वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल रहा होता है अगर ऐसी कोई अलामत हो तो उसको हम सस्पीशियस कहते हैं और वो आम तौर पे आपके मुंह के कैंसर की अलामत होती है इसके अलावा गिल्टी मुंह के किसी भी हिस्से में चेहरे में और गर्दन में अगर आपकी गिल्टी हो तो इसको हम मुंह के कैंसर या औरल कैंसर की एक अमत में शामिल करते हैं ये दो ज़खम होना और गिल्टी होना ये सबसे कॉमन है और आम तौर हम देखें हमारे क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं हमारे आवाम दूर दराज इलाकों में होते हैं तो जब वो गिल्टी छोटी सी होती है तो हम उसको तवज्जो नहीं देते और वो गिल्टी और ज़ख़म जब बहुत बड़ा बन जाता है तो तब हम इलाज के लिए आते हैं और उसी वक्त हम फिर फ़र्दर तशखीस करते हैं इसीलिए मेरी आज आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसा ज़खम जो दो हफ्ते से ज़्यादा बग़ैर दर्द के और इलाज के सादे इलाज के बाद भी ठीक ना हो तो आप मुस्त डॉक्टर से उसका आ, उसकी तशखीस करें मुंह के कैंसर की जो सही तशखीस मुकम्मल तशखीस बायोपसी के रिपोर्ट पर होती है बायोपसी का मतलब ये होता है कि आप एक छोटा सा ज़ख़म का टुकड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे उसके एक एक सेल को मुशाह करते हुए देखते हैं कि क्या ये मुंह का ये क्या कैंसर ही है और बायोप्सी पर ही उसकी कंफर्मेशन होती है इसके अलावा फिर इमेजिंग है जिसमें हम एमआरआई सीटी वो मावन साबित होते हैं या प्लेन एक्सरे वो मावन साबित होते हैं तशखीस में और उसकी फैलाव में कि कहाँ तक फैल गया है अब आते हैं इलाज की तरफ अगर इलाज की बात करें तो शुरू के बीमारी के शुरू में इलाज करना इंतहाई सादा है अगर आपकी ज़ुबान पे एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर एक कैंसर है तो उसको काटना बहुत आसान है अगर यही अगर आधी से ज़्यादा ज़ुबान उससे मुतासर होगी तो उसको आप सोचें कि आधी ज़ुबान जब कटेगी तो फिर आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासर होगी इसलिए अर्ली स्टेज़ पर उसका इलाज आमतौर पर सर्जरी ही किया जाता है और सर्जरी से अर्ली स्टेजेस पे स्टेज वन और टू में उसके नतज बहुत हौसला अफजा देते हैं स्टेज थ्री और फ़ोर जिसको हम कहते हैं उसमें आमतौर पे जो कैंसर है वो फैल चुका होता है और वो नीचे और साथ में जो एडजस्टेंट टिश्यूज़ हैं जिसम के जो हिस्से हैं उनमें चला जाता है इसके अलावा वो लिम्फेटिक्स के थ्रू गर्दन में गिल्टियाँ बन जाती हैं और बाज़ कर डिस्टेंट मेटास्पेसिस जिसको हम कहें कि दूर तक जिसम के बाकी हिस्सों तक खून के ज़रिए फैल जाता है आमतौर पे लंग्स में फैलता है तो शुरू की स्टेजेस में इलाज बहुत आसान और अच्छे नतज वाला है आखिरी स्टेजेस में जब आधा जबड़ा आधा आधी ज़ुबान अगर आपकी काट दी जाए तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मुतासर तो करता है इसके अलावा उस कैंसर के दोबारा होने का भी उतना ही ख़दशा है इसके अलावा जब कैंसर बड़ा हो जाता है तो फिर शुआए और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी एडजंक्ट रोल आता है तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश ये करूँगी कि जब भी आपके मुंह में कोई ज़ख़म हो उसको आप मुस्त डॉक्टर से चेक करवाएं और उसको सीरियस ने उसको बड़ा होने से पहले चेक करवाएं और ताकि आपकी ज़िंदगी कम मुतासर हो और आप अपनी ज़िंदगी को आखिरी दम तक बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें इस सिलसिले में बहुत सारे सवाल मज़ीद पूछे जा सकते हैं अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट्स में आ, हमें पूछ सकता है और हम कोशिश करेंगे कि उनको जवाब दें